किसी ने सोचा भी नहीं था कि मिट्टी खुदाई करने वाली और बड़ी बड़ी इमारतों को ढहाने वाली जेसीबी भी मशीन एक दिन बुलडोजर के रूप में प्रशासन और शासन का सफल हथियार बनेगी जनपद और प्रदेश कोई भी हो अब तो व्यवस्था एक जैसी होने लगी है यानी अपराधियों माफियाओं के खिलाफ सफल रहा बुलडोजर प्रयोग अब कई जनपदों प्रदेशों तक जा पहुंचा है बता दें वैसे इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई थी माफिया विकास दुबे के घर पर सबसे पहले बुलडोजर चला था इसके बाद माफिया मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के घर तोड़ने बुलडोजर जा पहुंचा यहां भी सफलता मिली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे माफियाओं पर यह प्रयोग करना शुरू कर दिया बुलडोजर कार्यवाही यहां भी सफल रही कई जगहों पर तो नतीजा यह रहा कि अपराधी थाने पहुंचे और सरेंडर किया हालांकि प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर नीति पर विपक्षियों ने सवाल उठाए लेकिन जनता की तरफ से इसे सराहा गया पब्लिक को बुलडोजर नीति पसंद आई सूबे में दूसरी बार योगी सीएम बने योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार बुलडोजर की गर्जना बढ़ती जा रही है देखा देखे में अब प्रशासन ने तो बुलडोजर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर में आपराधियों माफियाओं के खिलाफ ही नहीं ईट भट्टों पर भी बुलडोजर का प्रयोग कर दहशत पैदा कर दी गई है बुलडोजर ताकतवर होता जा रहा है फिर भी अपराधियों पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पा रहा हर रोज लूट चोरी डकैती सहित और भी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी घटनाएं सामने आती रहती हैं देखना यह है कि यूपी से निकलकर कई राज्यों में ब्रांड बन चुका बुलडोजर ऐसे माफियाओं अपराधियों में खौफ पैदा करके अपराध पर पूरी तरह रोक लगा पाता है या नहीं खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया